जय श्री कृष्णा। एलजे टेनेट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू की स्टफिंग वाले प्याज के पकोड़े, यानी प्याज के भरवा पकोड़े। ये पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे बनाने के लिए मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं। अभी इसमें 2-3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच ओरेगनो सीजनिंग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कोई भी मसाला अगर आपको पसंद नहीं हो तो हटा भी सकते हैं। अभी इसको इस तरह से आटा जैसा गूंद लेंगे। अभी मैं इसका बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है और इसमें 2 चम्मच सूजी लिया है। आप इसमें चावल काटा भी डाल सकते हैं। अभी इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और 1/2 से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। इस तरह से मिक्स करते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। घोल को न ज़्यादा पतला रखना है और न ज़्यादा गाढ़ा रखना है, मीडियम तरह का घोल तैयार करना है। आप देख सकते हैं इसी तरह का घोल तैयार करना है। अभी मैंने कुछ प्याज लिए हैं, इनको इस तरह से छील लिया है। अभी प्याज को इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे, यानी इसको 2 भागों में कर लेंगे। और अभी प्याज के इस तरह से जो साइड में हार्ड पार्ट होता है वह निकाल देंगे। और अभी प्याज को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे, यानी प्याज की जो कलियां हैं वो सब इसको हटा लेंगे। यह प्याज का पकौड़ा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। देखिए ये हमारी कलियां बहुत ही अच्छे से निकल के तैयार हो गई हैं। अभी इसको इस तरह से एकदम अलग अलग कर लेंगे। इसी तरह से सारे प्याज की कलियों को अलग कर लेंगे। ये हमने सभी प्याज को कट करके इस तरह से इनकी कलियां निकाल ली हैं। अभी हम एक प्याज की स्लाइस लेंगे और इसमें हमारी आलू की स्टफिंग भर लेंगे। इसमें आलू की स्टफिंग एकदम अच्छे से भरें। इसी तरह से दूसरी स्लाइस में भी आलू की स्टफिंग भर लेंगे। अभी इन दोनों स्लाइस को लेंगे और इस तरह से आपस में जोड़ देंगे और इसकी स्टफिंग को अच्छे से सेट कर देंगे। इसी तरह से सारे प्याज को भर लेंगे। ये हमारे सभी प्याज तैयार हो गए हैं। अभी हम हमारा बेसन का घोल लेंगे और इसमें एक प्याज लेंगे और इसको इस तरह से घोल में अच्छे से डुबो देंगे, यानी इसको इससे अच्छे से डिप करेंगे। घोल प्याज पे सब जगह अच्छे से लगना चाहिए। अभी गरम तेल में इस तरह से प्याज को छोड़ देंगे, यानी एक एक करके प्याज के पकोड़े को डालेंगे। अभी इसको थोड़ा सा एक साइड से सख्त होने देंगे और फिर चम्मच से पलटी करेंगे। आप पकौड़ों को तेल में डालते ही नहीं हिलाएं, इसको थोड़ा सा एक साइड से सख्त होने दें, फिर इस तरह से चम्मच से हिलाएं। अभी इसको मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारे प्याज के पकौड़े एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही सुंदर आया है। इसी तरह से बाकी बचे हुए पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। लीजिए तैयार है हमारे प्याज के भरवा पकौड़े। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।